बस आते हम देशों की आपके सामने बात आ चुकी है। यहाँ से हम मस्जिद तक पूरी तरीके से सड़कें भरी हुई है। प्रकाश अम्बेडकर होती है, एकता की ताकत होती है। हमने इस बात की अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये इस मिट्टी से मोहब्बत करने वाले हर इंसान की लड़ाई है और ये आर पार की लड़ाई है, ये आर पार की लड़ाई है। और एक बात और कहूं औरंगाबाद युवा दोस्तों, हम ये लड़ाई जीतने जा रहे हैं। कानून वापस होगा, इसे इस फैसले को वापस लेना होगा। हमारा संविधान जिंदाबाद। हमें क्या पहचानेंगे लोग कपड़ों से, गले में गमछा है, बिहारी हूं। और बिहारी एक कैफियत है जो किसी पे भी तारी हो सकती है। जब हमारे बादशाह ने सोचा कि ये कानून लाया जाए, अच्छा आप लोग ये मत कहिए कि बादशाह झूठा है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार ना करता तो क्या करता, तो झूठा ना कहिए। तो बादशाह ने ये सोचा अरे ये कर दो और सब लोग चुपचाप हो जाएंगे। उसने उन्होंने इस मुल्क की फितरत नहीं देखी, कब किस मसले पे जमीन पे घास की तरह उग जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। आपने बहुत सारे फैसले लिए, हम चुप रहे, हम खामोश रहे, लेकिन जब आपने संविधान से फासला बढ़ाने वाला फैसला लिया, हम सड़कों पे उतर गए। फैज साहब कहते हैं कि शायद बादशाह को पता नहीं चला, मेरी बेटियां बहनें माए जहां कहीं हो सब सुन रही होंगी, उन्हें पता नहीं था कि इस मुल्क की मिट्टी अजब है। तो फैज साहब ने एक लिखा था, तो उन्हें हमारे बादशाह को भी नहीं पता चला कि हमारा हमारे आइन से हमारे संविधान से क्या रिश्ता है। तो ये जो मेरा तुम्हारा रिश्ता है, ये आशिकी की ज़बान में कहीं भी दर्ज नहीं, लिखा गया है बहुत वसल दर्द फिराक, मगर ये कैफियत अपनी रकम नहीं है कहीं। बहुत अच्छा। तो हम अपनी कैफियत लेके सड़कों पे उतरे, हम महाराष्ट्र में उतरे, औरंगाबाद में उतरे, पटना के की सड़कों पे उतरे। हम क्यों उतरे, हम तो बड़े सुकून से पढ़ाई कर रहे थे। तुमने हमें बता दिया तुम्हारे हाथ में मेरा संविधान सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है। ये बापू का देश है, 150वां जयंती वर्ष मन रहा है और आपने ये तोहफा दिया अपने बापू को। असल में आपके साथ दिक्कत है ना कि आपने बापू को चश्मे में रख दिया है। ये बापू की लाठी है और जब ये लाठी पड़ती है तो गहरे चोट करता है। चश्मे में नहीं बापू का चश्मा पहनो, तब ये देश दिखेगा कि ये किस तरह का देश है। अरे यहां तो ये अद्भुत देश है भाई, इसको समझने के लिए आपको अपनी नजर वैसी रखनी होगी। आपकी नजर बौनी है, आपकी नजर छोटी है, आपकी समझ संकुचित है, इसलिए आप मेरे मुल्क को समझ ही नहीं पा रहे। एनआरसी और सीए, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये मुसलमानों का मसला नहीं है, आपको पता नहीं है। मैं 47 नहीं जानता, लेकिन आपके तमाम हिंदू भाई आपके साथ खून बहा देंगे। अरे अरे मोदी जी,
आग्रह, एक गुजारिश है मेरी, आप मत होने देना। वो कोशिश कर रहे हैं इसको शांतिपूर्ण रखना है। बाएं हाथ पे काली पट्टी, दाएं हाथ पे बाबा का संविधान, यही रखना हमें। ये तिरंगा मेरी शान है और मेरा दस्तावेज है। जो डॉक्यूमेंट मांगोगे तिरंगा दिखा दूंगा, और तुमसे डॉक्यूमेंट मांगोगे मैं मांगूंगा तो तुम मुझे भगवा दिखाओगे, तिरंगा है ही नहीं। तो इस तिरंगे की असल में हिंदुस्तान के बारे में तो है ना, मुझ में थोड़ी सी भी नफरत है ही नहीं, मैं तो हर वक्त मोहब्बत से भरा रहता हूँ। अब ऐसे मुल्क में आपने तय कर लिया है कि थोड़ा नफरत का शहर बोया जाए, तो एक बात समझ लो, हमारे ही मिथकों में एक भोलेनाथ भी हुए थे, सारा जहर पी गए थे। तो इसको समझिए माननीय प्रधानमंत्री जी, अभी भी कुछ गया नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, औरंगाबाद से आपसे और गृह मंत्री साहिब से, प्लीज टेक बैक दिस एक्ट, इस कानून को वापस लीजिए, 24 घंटे के अंदर लीजिए, 48 घंटे के अंदर लीजिए, वापस लाओ, वापस लाओ। एक वापस लाओ, वापस लाओ, वापस लाओ। प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से इस रास्ते पे हो जो उनके रहगुजर भी नहीं है, कभी गए भी नहीं। दोस्तों मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ, सदन में बहुत सारी चीजें कही, आपने वीडियो सुना होगा, मैं दोहरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हम आखिरी दम तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके सुनिश्चित करेंगे कि ये कानून वापस हो, क्योंकि हम इजराइल नहीं है, हम हिंदुस्तान हैं, जिएंगे हिंदुस्तानी की तरह, मरेंगे हिंदुस्तानी की तरह, इसी मिट्टी में उगे हैं, इसी मिट्टी में जाएंगे। हिंदू भाई मुझे सुपुर्दे खाक करेगा, मैं उसकी चिता पर लकड़ी चढ़ाऊंगा। तो एक फैज साहब ने पाकिस्तान के लिए लिखा था, लेकिन अब मेरे मुल्क में भी काफी कोशिश हो रही है कि इसको पाकिस्तान में ही तब्दील कर दिया जाए। तो एक मैं छोटी सी कविता है फैज साहब की, इसको पढ़ के अपनी बात खत्म करूंगा। जिस देश से माओं बहनों को अग्यार उठा के ले जाए, जिस देश से कातिल गुंडों को अशराफ छुरा के ले जाए, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ तकों पे बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज धमाके होते हो, जिस देश में जान के रखवाले खुद जान ले मासूमों की, जिस देश में हाकिम तालीम हो सिस्की न सुने मजबूरों की, जिस देश के आदिल बहरे हो आहे न सुने मासूमों की, जिस देश के गलियों कूचों में हर सिंत फहाशी फैली हो, जिस देश में बिनते हवा की चादर भी दाग से मैली हो, जिस देश में आटे चीनी का बहराम फलक तक जा पहुंचे, जिस देश में बिजली पानी का फकदान हलक तक जा पहुंचे, जिस देश में हर चौराहे पे दो चार भिखारी फिरते हो, जिस देश में रोज जहाजों से इमदादी थैले गिरते हो, जिस देश में गुर्बत माओं से बच्चे नीलाम कराती हो, जिस देश में दौलत शुरफा से नाजायज काम कराती हो, जिस देश में ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हो, जिस देश में ओहदेदारों से ओहदे न संभाले जाते हो, जिस देश के सादा लौह इंसान वादों पे ही टाले जाते हो, उस देश के हर एक लीडर से सवाल पूछना वाजिब है, उस देश के हर एक लीडर को जनता की कचहरी में आना है। थैंक यू औरंगाबाद, सारे ऑर्गेनाइजर्स, हाथ जोड़ के सिर्फ एक विनती करके जा रहा हूं, बहुत दिन के बाद इतनी खूबसूरत सुबह इस मुल्क में आई है।
यह सुबह माफी के साथ कहता हूं किसी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से नहीं आई है, यह आया है आपके जज्बे से। इस जज्बे को बरकरार रखना, मेरे हिंदुस्तान को तैयार रखना। जिंदाबाद। एक एक बार मेरे साथ आप सब लोग औरंगाबाद स्लोगन दें, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारा संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद। शुक्रिया राष्ट्र। कि हम यहाँ पर जमा हैं और हम इस बात की शहादत भी पेश करना चाहते हैं कि हमारा ये मजमूआ